नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं न्यू टेक एंड ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन और आइडिया के सिम को ऑनलाइन ब्लॉक कैसे करें या ब्लॉक सिम को दोबारा से एक्टिवेट कैसे करें। अगर आपका फ़ोन खो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप अपने सिम को ऑनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप अपने सिम को ब्लॉक कर देते हैं तो कोई भी आपके सिम का मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। सिम ब्लॉक करने के लिए अपने ब्राउज़र में ओपन करें idea-cellular.com। अगर आप वोडाफोन के कस्टमर हैं तो ओपन करें vodafone.in। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सिम कार्ड को ऑनलाइन ब्लॉक कर पाएँ तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आके अकाउंट बनाना होगा। जब आपका अकाउंट बना होगा उसके बाद अगर आपका सिम कार्ड खो जाता है तो आप उसे ऑनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस पर आपको अकाउंट बनाना है। मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर आपको बता दें, आप दो तरह से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। एक OTP के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जब आपका सिम खो जाता है तब आप OTP का यूज़ ना करके आप पासवर्ड का यूज़ करिए। पासवर्ड का यूज़ करेंगे तभी आप अपने सिम को ब्लॉक कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर पासवर्ड का यूज़ करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे ऊपर कुछ टैब दिख रहे हैं तो आपको माय रिक्वेस्ट वाले टैब पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं माय रिक्वेस्ट में दो टैब दिए हुए हैं, तो यहाँ पर पहले से ही रिक्वेस्ट वाला टैब एक्टिव है और यहाँ पे आपको जो सर्विस है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो चलिए हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो आपको तीसरा ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन मिल रहा है हैंडसेट सिम लॉस्ट, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। और गो पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट नंबर आपको एंटर करना है। अल्टरनेट से मतलब मेरा यह है कि आपके पास में जो सिम आप ब्लॉक कर रहे हैं, जो नंबर आप ब्लॉक कर रहे हैं उसको छोड़कर कोई भी दूसरा नंबर आप यहाँ पर एंटर करें और कंफर्म करें। तो आप यहाँ पर एक मैसेज देख रहे हैं जिसका मतलब है कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली रिसीव्ड कर ली गई है। और यहाँ पर आपको एक कम्युनिकेशन आईडी दिख रही है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या इसे आप नोट करके रख लीजिए। अगर आप इसी नंबर को दोबारा से रीएक्टिवेट कराना चाहते हैं तो आपको आइडिया के स्टोर पर जाना है
और साथ में आपको एक आईडी प्रूफ ले जाना है, एक फोटो ले जाना है, वो आपको डुप्लीकेट सिम दे देंगे। और जो पुराने जो सिम आपका खो गया है उसकी जितना भी आपका डेटा होगा, जो भी उसमें टॉक टाइम होगा, वो सब आपके डुप्लीकेट सिम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपने सिम को ब्लॉक कर सकते हैं और उसे रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। ये सिम आपका जो डुप्लीकेट सिम जो आपको मिलेगा वो आपका 2 घंटे के अंदर रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।